हरे कृष्णा, क्या आप जानते हैं इतिहास में एक महान राजा हुए हैं जिनका नाम था भर्तृहरि। भर्तृहरि महाराज, उनके दो सुंदर किताबों के लिए वो परिचित हैं, और विशेष रूप से भर्तृहरि महाराज का एक और परिचय है कि वे महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं, और महाराज विक्रमादित्य को सभी लोग जानते हैं। उनके जीवन की कुछ घटना बताता हूँ। ये दो ग्रंथ उन्होंने जो लिखे हैं, वो ग्रंथ का नाम है श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। शतकम शब्द का अर्थ होता है 100 श्लोक, और श्रृंगार शब्द का अर्थ होता है सुंदरता, और वैराग्य का मतलब वैराग्य। तो उन्होंने अपने जीवन में दो ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत फेमस है, कई लोग जानते हैं इसको, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। राजा भर्तृहरि बहुत महान राजा रहे, सूरवीर रहे, अत्यंत शक्तिशाली, बहुत ही सुंदर, धार्मिक राजा। अपने प्रजाओं का बहुत ही सुंदर तरीके से वे पालन पोषण किया करते थे। प्रजा उनके शासन काल में बहुत ही प्रसन्न, खुश, समृद्ध, और राज्य जो है सस्य सामला भरा हुआ था। और उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य, वे भी उनके बड़े भाई के जैसा ही है, और सभी लोग उनको भी बहुत पसंद करते थे, और वे अपने बड़े भाई के राज कार्य में उनको मदद किया करते थे। एक बार की घटना है, महाराज भर्तृहरि का मन जो है वो एक बार एक दुष्चरित्र स्त्री पर लग गया। असलियत में दुष्चरित्र स्त्री यानी वो एक पेशे में एक वेश्या थी, और ये राजा का मन जो है उस वेश्या पर लगा। वो इस प्रकार की स्त्री थी, कुछ ऐसे वेश्याएँ हुआ करते हैं जो बड़े बड़े लोग जो है वो उनके पास जाते हैं या उनके कस्टमर्स होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड प्रोस्टिट्यूट, मतलब ऐसे सोच सकते हैं, जैसे कि राजा, मंत्री, MP, MLA ऐसे लोग उनके पास जाएंगे। तो महाराज का मन जो है उस स्त्री पर लगा, तो महाराज कुछ ज़्यादा ही आसक्त हो गए उस स्त्री के प्रति। फिर उस स्त्री को वो विवाह भी किए और अपनी रानी बनाकर वो राजमहल में लेकर आ गए। अभी वो इस प्रकार की स्त्री हैं तो कौन इस प्रकार के मौका छोड़ेगी। वो भी राजा भर्तृहरि का प्रस्ताव में राजी होकर वो रानी बनकर आ गई। केवल उतना ही नहीं, महाराज भर्तृहरि ने उस स्त्री को पटरानी बना दिया, यानी मुख्य रानी बना दिया, बाकी सारे जो उनके पहले की पत्नियां थे उनको साइड करके। राजा की बात है, कौन उनको उल्टा बोलेगा। और उस समय राजा जो है वो कई रानियों को विवाह करने का जो है सामाजिक प्रथा हुआ करता था, तो राजा उनको विवाह कर सकते, तो राजा उनको लेकर आ गए। तो कुछ दिन बीती, अभी इस स्त्री को राजघर की, राजमहल की सुख सुविधाएं, ऐसो आराम की ज़िंदगी, आडंबरपूर्ण वातावरण जो है उनको प्राप्त हुआ। राजा के सास रहा करती थी, और राजा भर्तृहरि बहुत ही ज़्यादा आसक्त थे उनके प्रति और उनकी सुंदरता के प्रति। वो इतने आसक्त थे उनकी सुंदरता से, उस स्त्री की सुंदरता से, तो उनकी सुंदरता का गुणगान करने के लिए उन्होंने एक 100 श्लोकों युक्त एक किताब लिखा, जिनका नाम है श्रृंगार शतकम, केवल उस स्त्री की सुंदरता का वर्णन करने के लिए। बताइए, तो महाराज इतने आसक्त थे उस स्त्री के प्रति, मगर क्या होगा, व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। वो है ही वेश्या, दुष्चरित्र वाली थी, एक पुरुष से वो संतुष्ट नहीं रहती थी, और पहले से उसको ये आदत पड़ा हुआ था। इसलिए राजा भर्तृहरि के साथ रहने के बावजूद, राजघर के ऐसो आराम की ज़िंदगी मिलने के बावजूद, सभी प्रकार के सम्मान, सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद, उसका मन जो है दूसरे पुरुष को भोग करने के लिए हमेशा लालायित रहता। तो उसका नज़र पड़ी राजा भर्तृहरि के भाई के ऊपर। राजा भर्तृहरि के भाई बहुत ही धर्मनिष्ठ राजकुमार रहे, उनका नाम है विक्रमादित्य, बहुत ही सुशील,
और बहुत ही सौम्य सूरवीर और संपूर्ण समाज में उस राज्य में राजा भर्तृहरि के साथ साथ उनका भी उतना ही सम्मान हुआ करता था। नौजवान बहुत ही हट्टे कट्टे और स्वाभाविक है कि राजकुमार हैं तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के शारीरिक बल सौंदर्यता सब कुछ उपलब्ध था। तो उस स्त्री का मन जो है वो राजा के भाई विक्रमादित्य के ऊपर हुआ। एक दिन क्या किया रानी ने, विक्रमादित्य को अपने कमरे में बुलाया। पहले राजा के कमरे और रानी के कमरे अलग अलग हुआ करते थे, रानी के अंतर निवास अलग हुआ करता था, रानी का निवास और राजा का निवास अलग हुआ करता था। तो कभी कभी राजा जो है जब भी रानी के साथ मिलना हो तो वहाँ जाया करते थे, या तो रानी राजा के पास आया करते थे, मगर रहने के समय समय वो अलग अलग हुआ करता था। तो एक दिन राजा के छोटे भाई विक्रमादित्य को अपने पास बुलाते हैं। तो विक्रमादित्य जी वे रानी के कमरे में जाते हैं, रात्रि का समय था। तो जब भी वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि रानी भी है, महारानी है राज्य की, और साथ साथ में उनकी बहन भाई के पत्नी यानी भाभी हैं। तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपका। तब वो जवाब देती है कि मुझे आपके साथ रति करना है। तो इस बात को सुन के विक्रमादित्य जो है बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हे माता, आप मेरे भाभी हैं, माता तुल्य हैं, तो आप इस प्रकार के प्रस्ताव जो है ये धर्मानुमोदित नहीं है। मगर वो स्त्री जो है इस बात को ठुकरा देती है, उसको बोलती है कि आपको मेरे प्रस्ताव में राजी होना चाहिए, आप कैसे पुरुष हैं, हम इस प्रकार से प्रस्ताव करते हैं तो आप स्वीकार करना चाहिए, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और आज हमारी जो इच्छा है आपको पूरा करना पड़ेगा। मगर विक्रमादित्य जो है उस बात को इनकार कर देते हैं। मगर कामातुर व्यक्ति हैं, वो किसी भी हद तक जाता है। तो उस रानी जो है वो बोली कि अगर आप मेरे प्रस्ताव में राजी नहीं होंगे तो आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विक्रमादित्य कहते हैं कितना भी कठिनाई का सामना करना क्यों ना पड़े, हम इस प्रकार के प्रस्ताव में राजी नहीं हो सकते। तो ऐसे ही सुनते ही रानी ने तुरंत अपना बदमाशी दिमाग जो है दौड़ाई, वो अपना कपड़ा खुद फाड़ ली, अपने बालों को बिखार दी और कमरे में विक्रमादित्य के पास आकर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ करके। जब इस प्रकार से चिल्लाई तो बाहर जो पहरेदार सैनिक वगैरह थे वो सब लोग दौड़कर रानी के कमरे के अंदर जाते हैं। तब देखते हैं रानी की अवस्था है और वहाँ पर विक्रमादित्य खड़े हैं। तो ये बात, विक्रमादित्य वहाँ से चले जाते हैं और ये बात राजा तक जाता है। तो जब भी राजा तक जाता है, राजा पूरे घटना को जिन्होंने देखा था, जो सैन्य इत्यादि, उन लोगों से पूछते हैं और उन लोगों से पहले ही ये रानी खुद राजा को बता देती है कि आपके भाई मेरी सुंदरता के ऊपर मोहित होके वो आके मेरे साथ जो है ना गलत व्यवहार करने के लिए प्रयास किया और मेरे को बहुत परेशान किया। तो इस बात को सुन के भले ही राजा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राजा बचपन से अपने भाई के साथ हैं तो भाई के चरित्र को वो जानते हैं, उनके सिद्धांतों को जानते हैं, तो वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। मगर रानी के प्रति आसक्त थे और रानी की सुंदरता भी निश्चित रूप से ज़्यादा था, और इस बात से वो आश्चर्यचकित हो गए। केवल वही नहीं, असलियत में जो जस्मदीद गवाह हैं, जो देखे हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति में रानी को, वे भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्या सच में विक्रमादित्य ऐसा कर सकते हैं क्या। राज्य के किसी भी नागरिक, कोई भी मंत्री वर्ग बोलो, कोई सैनिक बोलो, कोई भी व्यक्ति इस बात को विश्वास नहीं कर रहे थे कि विक्रमादित्य ऐसा कर सकते हैं। तो इस बात को राज दरबार में सबके सामने विक्रमादित्य को बुलाया गया। रानी वहाँ पर खड़ी है और पूछते हैं, विक्रमादित्य के आँखों से आंसू बह रहा है और अपना सर नीचे करके खड़े हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। और राजा बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, विक्रमादित्य आप बताओ असलियत में हुआ क्या था, क्या सच में आप ऐसे किए हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं महाराज, विक्रमादित्य ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो फिर तब रानी बोलती है, तो फिर तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं गलत की हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, और भला इस प्रकार के एक स्त्री अपना इज्जत को दांव के लगा कर वो झूठ क्यों बोलेगी,
मैं तो यहाँ राजा के पास आई हूँ, मैं तो रानी की जैसा रह रही हूँ, मुझे सारे सुख सुविधाएँ हैं, और मैं क्यों झूठा इंजाम लगाऊँगी मेरे देवर के ऊपर, और मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे मालूम है अगर पता लगेगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार के अपने जो झूठे बयान है वो इस प्रकार से वो प्रस्तुत करने लगी। लोग भी आश्चर्य हो गए और सोच में पड़ गए कि असलियत में है क्या। विक्रमादित्य कुछ बोल नहीं रहे हैं और उधर वो अपना झूठा बातें बोलते रही, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं कैसे बोलूँगी, मैं इतना सुंदर हूँ, कोई भी मोहित हो सकता है, और मुझे तो सारे सुख सुविधाएँ हैं, मैं क्यों उसके पीछे पड़ूँगी, मैं क्यों ऐसे अपना खुद का ही इज्जत जो है मैं गवाऊँगी, ऐसे ऐसे सब बातें करने लगी। तो सब लोग आश्चर्य हो रहे थे। राजा बार बार पूछे विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य नीचे मुंडी करके खड़े हैं, तो बोलते आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो रानी बोलती है कि कैसे बोलेगा, किस मुंह से बोलेगा, किस मुंह से मुंह ऊपर उठा के देखेगा मुझे, ऐसे गलत कार्य करा है। तो इस बात को सुनकर राजा भर्तृहरि ने विक्रमादित्य को राज्य से बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बोले कि विक्रमादित्य, क्योंकि आप इस प्रकार के कार्य किए हैं और इसलिए हम आपको राज्य बहिष्कार करने का आदेश देते हैं। तो विक्रमादित्य, सब लोग बोल रहे थे विक्रमादित्य को, बताइए क्या हुआ, बताइए क्या हुआ, मगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, सर नीचे करके खड़े थे। और जब ही उनको राज्य बहिष्कार करने के आदेश दी गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर चुपचाप महाराज के आदेशों को पालन करके वो राज दरबार को त्याग कर वो छोड़कर चले जाते। तो अभी आप बताइए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए था। क्या राजा ने गलत डिसीजन लिया, क्या विक्रमादित्य ने चुप रह के गलत किया, क्या प्रजाएं चुप रहें इसलिए गलत किए, क्या करना चाहिए था, आप क्या सोचते हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए था। हरे कृष्ण।